मेरा बेटा जोबन जो कि स्टडी बेस से 2019 में न्यूजीलैंड भेजा से। मैं घर धी का ब्याह देता 9 दिसंबर का। मेरी वो सरकार अगे बेनती है मेरा पुत घर लिया दो, मैं ना गिरदास कर दी मेरा घर पुत लिया दो, मैं अपने पुत सगना जार ताना तोरा सोने सोने कपड़े पा के गला अपने पुत दा जांदी वार दा मुंह वे गला। मेरा बहुत 2019 च मेरा बहुत न्यूजीलैंड से गया ही, मैं की करा। दो हजार उन्नीस मेरा बेटा गया, 5 साल हो गए मेरे बेटे गए नू। लास्ट कल 8 तरीक दे मैसेज गल हुई इंदा मम्मी मेरा फोन खराब हो गया कोई भी कर नहीं करना, मैं फोन ठीक करके फिर मैं थोड़े ना गल करूंगा। अरे रब्बा मैं घर धी का ब्याह देता 9 दिसंबर का। मेरी वो सरकार अगे बेनती है मेरा पुत घर लिया दो, मैं ना गिरदास कर दी मेरा घर पुत लिया दो, मैं अपने पुत सगना जार ताना तोरा सोने सोने कपड़े पा के गला अपने पुत दा जांदी वार दा मुंह वे गला। मैं गुरमीत सिंह, मेरा बेटा जोबन जो कि स्टडी बेस से 2019 में न्यूजीलैंड भेजा से, और उसकी गल मेरी आखिरी 8 अक्तूबर नू मैसेज दे जरिए हुई, जिहदे विच उहने ये कहा भी मैं ठीक ठाक आ और मेरा मोबाइल खराब हो गया वा और मैं रिपेयर करके आपे तुहाडे नाल गल करांगा। इस तो बाद अभी भी थोड़ा जा ध्यान नहीं दिता, जो कि फिर मैनू 25 अक्तूबर नू जो पिंड दा सरपंच उहदे कोलो टैलीफोन मेरे कोल आया भी तुहाडी एक बेटे दे नाल बहुत दुख भरी कहानी वापर गई है। उस तो बाद फिर मैं उन्हूं मिलिया तो उन्हें कहा भी आ गल हो गई है बेटा तुहाडा डैथ कर गया। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋਬਨ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਕੂਮਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
तो मुड़ के बाद बाद जरा अभी हम प्रशासन तो दोवे देशों की सरकार अपील करते हैं कि साढ़े जोड़े बेटे की जी डेड बॉडी जल्दी जल्दी भेजने से साड़ी मदद की जाए तो जो असी जो अपने रीति रिवासा के नाल अं संस्कार कर सकी। हाँ जी हाँ हाँ जी जोगन की भैन का जो 9 दिसंबर घर विह रख्या ही असी तो अपने विह दिन तैयारियों जो रुझे से उन्हें जोगन ने भी विह शामिल होने वास्ते आना से जेडे अचानक वो जो भाणा वरत गया वा सानू ये बारे तक कोई पता नहीं लगा भी उत्थे की गलबात है की नहीं तो असी दोवे सरकार अपील करते हैं भी वो जी मौत की उत्थे जांच करवाई जाए तो सानू इंसाफ दिता जाए। मैं सरपंच हुकूमत राय पिंड खैरा मैं परसों किसी समागम बैठा सी 1:30 का टाइम तो मैं थाने तो मुंशी का फोन आया कि तुहाडे पिंड दा जोगन सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कोई न्यूजीलैंड रह रहा तो उसकी डैथ हो गई है तो मैं पता नहीं भी जोगन सिंह कौन है। गुरमीत सिंह बारे मैं जानता सी गुरमीत सिंह की भी रहा सी जी इस टाइम अमृतसर ही तो फिर मैं उस तो बाद चाचे को फोन किया वह नंबर मेरे को हैगा सी मैं भी ताडा कोई भतीजा न्यूजीलैंड का हैगा आ मैं भी कि जोबन वह नाम का भी जोबन ही आ तो मैं भी वो फिर डैथ हो गई है तो असी तो हम प्रशासन तो बाकी पिंड समीक होंगे नाके लोगों गाड़ी भी अपील करते हैं उधर के नागरिकों भी अपील करते पंजाबियों भी मत करके तो डेड बॉडी लेंदी जाए। खुदा दे घर देर है पर हनेर नहीं मुसलमानी रूहानी अते काले इलम दे माहिर मियां फरीद अली संपर्क करो 98-569-31-603 100% गारंटी नाल हर परेशानी दा हल पाओ। पति पत्नी विच झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा खुया प्यार वापस पाउणा तलाक केस विदेश विच पक्का होना गुप्त वशीकरण करवाओ मन चाह प्रेमी प्रेमिका अपने वस विच करो लाटरी नंबर पाओ 649 होवे चा लोटो मैक्स प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो।